गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है जीवा का वैक्सीनेशन डे। जीवा को कर लिया है रेडी और हम निकल पड़े हैं जीवा के वैक्सीनेशन के लिए। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल सुप्रीतास ब्लॉग। तो जैसे आपने देखा होगा कि जीवा का आज वैक्सीनेशन हो गया है एंड सबसे बेस्ट ये था कि आज एक ही इंजेक्शन था, हमें लगा तीनों का बट एक ही था और जीवा बिल्कुल भी नहीं रोई। जैसे ही उसको इंजेक्ट किया बस 2 सेकंड के लिए उसने वो रोई एंड उसके बाद बिल्कुल भी नहीं रोई। एंड मतलब हमें तो बहुत डर लग रहा था कि ये कितना रोने वाली है, मतलब कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, बट ये बिल्कुल भी नहीं रोई है और आराम से सो रही है। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे सो रही है। तो डॉक्टर मतलब डॉक्टर ने फीवर के लिए मेडिसिन दिया है, 2 बार लेना है दिन में, तो रात को दे दूंगी उसे एंड लेट्स सी आगे कैसे क्या होता है। तो ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, जो भी होगा जैसे भी होगा बस अब देखिएगा। तो जैसे ही जीवा सो गई उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत जो काम पेंडिंग था वो मैंने कर लिया। कपड़े धो के रखे थे मैंने, उसे ड्राई करके फिर सुखा दिए एंड साथ ही साथ मैं ये भी देख रही थी कि कहीं वो उठ ना जाए, क्योंकि पेन होता है तो वो कहीं ना कहीं मतलब उठ जाती है। तो इसके लिए मैं उसको साथ ही साथ झूला भी दे रही थी एंड साथ ही साथ अपना काम भी कर रही थी। काम मतलब काम तो बाकी मैं ऑलरेडी सब करके ही गई थी, बस थोड़ा बहुत जो था वो सब कर लिया। तो ये पार्सल आया है आज जीवा के लिए है और आप नाम से देख ही सकते हो पैम्पर्स है। तो हम एक ही साथ मंगा लेते हैं ताकि हमें बार बार ना मंगाना पड़े। मैंने इसका व्लॉग भी डाला है कि इसमें टोटल 140 पीसेस होता है। तो ये पार्सल आया है आज का। तो फिर जीवा का फीडिंग का टाइम हो रहा था तो मैं उसे उठा रही थी ताकि मैं उसे फीड करवा। तो ये यहाँ पर मैं जीवा को करवा रही हूँ फीडिंग। जीवा भी नींद में है, नींद में ही फीड करवा मतलब वो पी रही है दूध, बिकॉज उसको फीडिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो नींद में हो तो उसको थोड़ा बहुत उठा के फीडिंग करवा रही थी। उसके बाद फिर मैंने उसको आराम से सुला दिया और देखो कितने अच्छे से जीवा सो रही है। तो उसके बाद आया है ये पार्सल जो कि जीवा के लिए गिफ्ट था किसी फ्रेंड की तरफ से। ये था बेबी वॉकर जो कि अभी उसके यूज़ नहीं होगा, बट जब भी वो 7th या 8th month की हो जाएगी तो हम इसे यूज़ करेंगे। बट हम इसे देख रहे थे कि प्रॉपर है, आया है या नहीं आया है। गाइस तो ये व्लॉग जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ये मैंने स्टार्ट किया था कल, बट कल के दिन जैसे कि वैक्सीनेशन था मैंने आप सभी को बताया कि जीवा बिल्कुल भी नहीं रोई, लेकिन ये सब उल्टा हो गया क्योंकि हमने लिया था इंजेक्शन कुछ 10:30 को, उस वक्त वो बिल्कुल भी नहीं रोई। 2 सेकंड के लिए जैसे मैंने आपको बताया वो रोई, उसके बाद जब आई गेस अराउंड 2 बजे से उसने जो रोना स्टार्ट किया बस वो कंटिन्यूसली रोई रही थी बिकॉज ऑफ पेन। तो उस दिन जो था वो पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया उसको संभालने में, क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रही थी। मतलब आई गेस उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड फीवर भी थोड़ा बहुत आया, तो वो एक बोलते हैं ना कि मतलब मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ ये सब चीज़ का क्या नहीं बनाऊँ। तो इसके लिए मैंने उस दिन पे कुछ भी नहीं किया, बस ये मेरा मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि मैं उसको ही सिर्फ मेरा पूरा टाइम दूँ। तो बस कल का दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये जो वीडियो है फिर ये जो व्लॉग है मैं आज से नेक्स्ट डे से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि आज वो बिल्कुल फाइन मतलब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसे पेन नहीं है क्योंकि मेडिसिन दिए थे ऑफकोर्स, तो उसे उसको बिल्कुल आराम मिल गया है। वो अभी उसकी दादी के घर पे है। फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी मैं और आनंद जाएंगे क्योंकि हमें जीवा के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो हम वो करेंगे। तो क्या शॉपिंग करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी, तो आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले हमने देखा सब जगह पर, जैसे कल जो है अयोध्या में जैसे मंदिर का जो उद्घाटन होगा तो सब जगह वही सब फ्लैग्स लगे हुए थे।
फिर हम पहुंच गए फर्स्ट क्राई, जो कि हमारे यहाँ पर न्यूली ओपन हुआ है, क्योंकि हमें मॉस्किटो नेट से सामान लेने थे तो हमने वहाँ पर देखा, बट हमें वहाँ पर जैसे चाहिए था वैसे नहीं मिला। तो हम घर पे पहुंच चुके हैं और जैसे आप देख ही रहे थे कि कुछ शॉपिंग करना था दीवा के लिए, तो शॉपिंग हमने ये की है, ये लिया है मॉस्किटो नेट। बिकॉज़ आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में उससे सुना ही होगा कि जैसे वो 3 मंथ्स की कंप्लीट होगी, मैं उसको अब से झूले में नहीं सुलाया करके अपने पास सुलाया करूँगी बेड पे, तो उसके लिए मॉस्किटो नेट बहुत ज़रूरी है। तो ये मॉस्किटो नेट जो है वो मतलब इस तरह से अम्ब्रेला टाइप है, इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन करके मतलब प्रॉपर ओपन होगा एंड देन ये यूज़ होगा। तो ये जब भी मैं यूज़ करूँगी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। उसके साथ ये लिया है मैंने, ये जो है टंग क्लीनर है मिम्मी का, और टंग क्योंकि डेली क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अब तक हम जो है क्लॉथ से करते थे या फिर सॉफ्ट कॉटन से करते थे, बट आज जब भी हम मतलब गए थे शॉप में तो यहाँ मतलब ये हमें दिखा, तो मैंने सोचा कि ये एक बार लेके ट्राई कर सकते हैं, तो फिर मैंने ये भी जो है ले लिया। उसके साथ ही जैसे मुझे जीवा को जब भी मैं रेडी करती हूँ तो मुझे हेडबो पहनाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक ये व्हाइट कलर का है एंड देन ये रेड कलर का है, तो ये 3 हेडबोस मैंने लिए हैं। वैसे उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं बट स्टिल ये कलर उसके पास नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं ये ले लेती हूँ। ओके तो फिर ये तो मैंने लिया है। फिलहाल जीवा को हम उसकी दादी के घर से लेके आए हैं और अभी उसको फीडिंग करवा दी, अभी वो आराम से सो रही है। अभी जीवा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फाइन है, कोई उसे पेन नहीं, कोई फीवर नहीं है, तो बस